फल जाशु। साधु का चरित्र जो है, साधु का स्वभाव जो है कैसा है? कपास के फूल के जैसा। कपास का फूल जो होता है वो श्वेत होता है, उजला होता है, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, उस फूल को पहले तो तोड़ते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसका बीज निकालते हैं। उसके बाद एक फिर कारीगर क्या करता है, उसको ढूंढता है, पीटता है, मारता है, फिर उसका धागा तैयार होता है। और जो संत होते हैं उसका फूलबत्ती बनाते हैं। हम लोग भगवान की जो आरती करते हैं, फूलबत्ती जो बनाते हैं, बाती जो बनाते हैं, वो कपास के फूल का ही बनता है। तो कपास के फूल से संत का उपमा दिया तुलसी बाबा ने। क्यों? क्योंकि जैसे कपास का फूल जो है स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है लेकिन वो दूसरों को सुख देता है। उसी प्रकार संत का भी स्वभाव है, संत का भी चरित्र है। अपना भले उसको सुख ना मिले लेकिन वो संसार के हित के लिए सोचते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। और केवल एक काम ही नहीं होता कपास के फूल से, हजारों काम होते हैं। उसका रजाई भी बनाते, तकिया भी बनाते हैं। वो भले दुख सहता है लेकिन दूसरे को सुख देता है। ठीक उसी प्रकार जो परोपकारी होते हैं, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों की भलाई सोचते हैं। लेकिन आजकल लोगों का स्वभाव बदलता जा रहा है। लोग दूसरों का ज्यादा बुराई सोचते हैं। आजकल प्रायः सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इस बात से नहीं कि मुझे दुख है, इस बात से दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी वाले आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मेरा बेटा शराब पी रहा है रोड पर ऐसे लावारिस की तरह घूम रहा है, इसका दुख बाद में होता है, इसका बेटा अच्छा कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, अरे ये तो मेरे सामने झोपड़ी में रहता था, महल कैसे खड़ा कर लिया, इसी बात से वो परेशान है। लेकिन एक महात्मा का बड़ा सुंदर आदेश है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हरि बोल। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, हैवान बनो तुम, कम से कम बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं
नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पगना धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में तुम मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। वचन ना बोल सको तुम, झूठ कभी भी मत बोलो। बोलो नहीं पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। सत्य वचन नहीं बोल सको तुम, झूठ कभी तुम मत बोलो। बोलो नहीं पहले नहीं तो बोलो तो सत्य वचन तुम। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। बोलो नहीं पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो छार न। यदि किसी के घाव में हम मरहम पट्टी नहीं कर सकते तो उसमें नमक भी नहीं डालना चाहिए, छार न कभी लगा देना। इसलिए दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। दीपक
दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। तो इस शास्त्र का बस एक ही सार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमा। ये विचार करके कामदेव जानते थे कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों का स्वाभाविक प्रेम होता है किसी चीज से। आजकल लोग प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि बदले में मुझे भी प्रेम मिले। यदि मैं किसी का सम्मान करता हूं तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि मुझे भी बदले में सम्मान मिले। लेकिन प्रेम इसका ठीक विपरीत है। आप किसी कीड़े से पूछे, वो जानता है कि इस प्रकाश पर जाऊंगा, यदि बत्ती पर जाऊंगा तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, फिर भी करता है। वो ये जानता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी करता है, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम है उसे। तो संत का जो स्वभाव होता है, साधु का जो स्वभाव होता है, परोपकारी होता है। कामदेव जानते थे कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा, लेकिन मन में विचार आया कि यदि मेरे मरने से संसार का हित होता है तो मुझे मर जाना ही चाहिए। लेकिन जब कामदेव चला तो श्री तुलसी बाबा ने लिखा, भय काम बस जोगी इस ताप सपावरिन की को कहे, देखही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड ब्रह्मांड की तर काम कृत कौतुक अयम। सभी लोग काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगीश तापस पावरिन की को कहे। बड़े बड़े महात्मा जो थे, बड़े बड़े तपस्वी जो थे, सभी काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगीश तापस पावरिन की को कहे। और जो पावर लोग हैं, जो दिन रात काम में ही रमे रहते हैं, भला उसकी गिनती कौन करे। देखही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखिए काम का प्राबल्य कितना है। काम का आधिक्य हो जाए जीवन में तो उसकी प्रवृत्तियां बदल जाती है। शरीर में काम के प्रवेश होने के बाद व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे आगे पीछे कुछ सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। देखही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो पूरे संसार को सीता राम में देखता था, आज पूरे संसार को स्त्री में देखने लगा। हर एक पुरुष अपने आप को छोड़ करके सबको स्त्री ही समझ बैठा, और हर एक स्त्रियां खुद को छोड़ करके सबको पुरुष ही समझ बैठे। ये काम का प्रभाव है। इसका अर्थ है, तुलसी बाबा कहना चाहते हैं, जब जीवन में काम आता है तो व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, अपना स्वरूप भूल जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण रावण है। चलत दसानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, सारे देव गंधर्व यक्ष किन्नर जितने थे सब थरथर कांपते थे। लेकिन जब रावण के हृदय में काम का प्रवेश हुआ और सन्यासी का वेश धारण करके
सीता का हरण करने के लिए रावण गए तो इत उत चलें स्वान की नाई। तुलसी बाबा ने कहा कि ये कुत्ता की तरह जा रहा है। जैसे कुत्ता क्या करता है, किसी के घर में छुप कर के घुसता है, ऐसे जिस रावण के डर से पूरा पृथ्वी कांपती थी, पूरा देवता लोग कांपते थे, वह देवता भी आज निडर हो गए, पृथ्वी निडर हो गई। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में काम का प्रवेश हो गया, और जब काम का प्रवेश हुआ तो इत उत चले स्वान की नाई, कुत्ते की तरह चुप करके जाने लगे। तुलसी बाबा ने काम का बाहुल्य बताया है, भय काम बस जोगी इस तापस पावरिन की को कहीं देखहिं चराचर नारी मय जय ब्रह्म मय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामय। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये कब तक रहा? दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो ब्रह्मा दो प्रहर तक, दुई दंड, दंड माने दुई दंड तक ऐसा प्रभाव कामदेव का रहा। और अंत में तो तुलसी बाबा ने लिखा कि धरी न काहु धीर, सबके मन मन सिज हरे। लेकिन कलम वहां जाकर के रुक गया। हनुमान जी प्रकट होकर के, भगवान शिव प्रकट होकर के तुलसी बाबा का हाथ पकड़ ले, ये क्या लिख रहे हैं आप? धरी न काहु धीर सबके मन मन सिज हरे, मतलब सबको कामदेव ने हरण कर लिया, सबके मन को छीन लिया, तब तो राम के नाम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तब जाकर के तुलसीदास जी लिखते हैं, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिसने राम जी को हृदय में रखा, जिसने ऐसा सोचा कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं, एक महात्मा का भाव है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मुझे हमारे हैं।
बोलिए सभी लोग, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। माता जी आप लोग जयकारा लगाती हैं ना? हाँ, हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा लगाती हैं, अच्छी बात, लगाना भी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भगवान के जयकारा में कंजूसी नहीं चलेगी, और आप ऐसे नहीं मानिएगा तो मुझे मनाने भी आता है, मानना तो पड़ेगा। और देखिए प्रेम एक ऐसा शब्द है जो प्रेम में जब भगवान झुक सकते हैं तो प्रेम से तो किसी को झुकाया जा सकता है। मैं जबरदस्ती नहीं, लेकिन प्रेम से तो हर किसी को प्रयास करूंगा कि भगवान में जुड़े। प्रेम में वह सामर्थ्य है, प्रेम में वह शक्ति है, वो बल है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा गुण है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम में बड़ा सामर्थ्य है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जिसको जिसको ये जानना हो कि मेरे राम कैसे प्रसन्न होते हैं, तो आज कान खोल करके सुन लीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम चाहिए, और चीज तो राम जी को मिथिला में मिल ही गया। राम जी को केवल प्रेम चाहिए, मिथिला में राम जी को सब कुछ मिला। इस राम कथा के मंच से हम राम जी की कथा गा रहे हैं। ये 9 दिन की कथा है, आज कथा का 2रा दिन है। परसों जाकर के भगवान का जन्म होगा। कौन सा दिन रहेगा? मंगलवार। परसों भगवान का जन्म होगा, और कल भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह होगा। उसके बाद भगवान के अवतार के कितने कारण हैं, ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन उसमें 4-5 मुख्य कारण है जिसकी चर्चा हम व्यास पीठ से करेंगे। तो मिथिला में जब हमारे राम आए तो उनको सब कुछ मिला। किसी ने भगवान से स्वयं पूछा कि ठाकुर एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तो राम जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। और यदि राम को प्रेम से प्रेम नहीं होता तो क्या गिद्ध को भगवान अपनाते, क्या गणिका को भगवान अपनाते, क्या गजेंद्र को भगवान मोक्ष प्रदान करते? नहीं, सबने भगवान से प्रेम किया, और प्रेम में ही वह सामर्थ्य था कि भगवान को भी झुका दी। इसीलिए मैं कहता हूं, और हमारे मिथिला में बड़ा प्रेम है,
मिथिला में और चीज आपको मिले ना मिले लेकिन प्रेम बहुत मिलेगा। मिथिला के लोगों से मिलिएगा तो प्रेम बहुत मिलेगा। आप बोलिएगा कि आप मिथिला के हैं इसलिए आप कह रहे, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता। लेकिन हम ऐसे झूठ मूठ का नहीं कह रहे, हम प्रमाण भी देंगे आपको। यदि मिथिला से ज्यादा प्रेम कहीं राम जी को मिलता तो कहीं और जाकर के ससुराल बनाते, मिथिला में ही ब्याह करने क्यों आए? क्योंकि जानते थे पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा प्रेम मुझे मिथिला के लोग ही करते हैं। कैसे? तो राम जी के एक एक लीला से मिथिला वासियों को बड़ा प्रेम था। एक मिथिलावासी राम जी को क्या कहते हैं? मोर लालन तनिक मुस्का दे, मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। नयन मा माने नहीं हो, नयन मा माने लालन हरि हो। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन जब राम जी को मिथिलानियों ने गाली दिया तो राम जी का मुंह लटक गया था। माथे मणि मोरिया भाल पर चानन, माथे मणि मोरिया भाल पर चानन, माथे मणि मोरिया भाल पर चानन, माथे मणि मोरिया भाल पर चानन। तनी मोरिया के हो, तनी मोरिया के लट हट बाजे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। दुल्हा दुल्हन सरकार की कजराने सुंदर बदन पर नैना कजरारे, सुंदर बदन पर नैना कजरारे,
सुंदर बदन और नैना कजरारे, सुंदर बदन और नैना कजरारे। मिथिलानिया कहती है, हे राघव जू, आपके सुंदर सुंदर मुखरे पर ये कजरारे जो है और भी सुशोभित लग रहे। तनी नैना के पलक उठा दे, तनी नैना के पलक उठा दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लाल सिखा दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा लालन। बाहू सभी लोग प्रेम से गाइए, मोरा लालन मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं नयन मामा सब तो मैथिली बुझबे करे छे ना, सब गोटे मैथिली बुझे छे ना, क्यों क्यों नहीं बुझे थे तीन तो जे गोटे नहीं बुझे छे उनका लेल हिंदी बाजब और जे बुझे छे उनका मैथिली में कह। आ जखन राम जी के विवाहक बात तैन तखन तो मैथिली में कह, मोरा लालन मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मामा ने नहीं। राम जी के जे मिथिला में मिलन उ कतौ नहीं मिलन, सीता सन के सुंदर धन पत्नी कतौ मिलते, तें राम जी मिथिला में एलखिन ये अस्तु तो हम पुनः चर्चा करब, लेकिन ताही सं पूर्व हम निवेदन करी, जब भय काम बस जोगी सताप सपावर इनकी को कहीं देखहि चरा चरणारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। जिन जिन लोगों ने भगवान को अपने हृदय में रखा भगवान ने उसकी रक्षा की, अथवा जो अपना जीवन सर्वस्व भगवान के ऊपर समर्पित कर दिए थे भगवान ने उसकी रक्षा की। आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है जिस दांत से चूहे को काट करके निगल जाती है जिस मुंह में, उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे का कंठ पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पर उस बिल्ली के बच्चा को पता है कि मेरी मां मुझे मारेगी नहीं, क्यों? मां के ऊपर आश्रित है। जो भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं, और भक्त को यह पहले से पता होता है कि मेरी रक्षा मेरे भगवान करेंगे। तो ते उबरे ते ही काल महो जिन राखे रघुवीर, जिसको राम जी ने रक्षा किया या जिसने राम जी को हृदय में रखा भगवान ने उसकी रक्षा की। आरती की तैयारी करी हाँ। ते उबरे ते ही काल महो, उस काल में उस समय में वही सुरक्षित रहा जिसको राम जी ने रखा। कामदेव पहुंचा भगवान शिव के पास, लेकिन शिव जी के इस रूप को देख करके कामदेव थर 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 कांपने लगा।
फिर याद आया कि नहीं, मैंने तो देवताओं को वचन दिया है कि मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगा। तो एक आम के पेड़ पर जाकर के बैठ गए। और कामदेव जिस चीज से बढ़ता है काम, वो सारा काम के वसंत ऋतु का आगमन हो गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुंदर पैजनियां बनने लगी, बजने लगी, चूड़ी की खनखनाहट से पूरा स्थान जो है गुंजायमान हो गया। लेकिन शिवजी की समाधि नहीं टूटी। जाके राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। जिसको राम जी रखने वाले हैं भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। शिव जी का कुछ नहीं बिगड़ा, इधर से उधर टस से मस नहीं हुए। कामदेव को बड़ा क्रोध आया कि मेरे डिगाने से भी नहीं डिगे तो आम के पेड़ पर बैठ गए। और शिव जी के हृदय को लक्ष्य करके कामदेव ने बाण का संधान किया और ऐसे जोर से बाण उनके हृदय में मारा। अचानक से समाधि टूटी, पूरा ब्रह्मांड हिलने डुलने लगा शिव के क्रोध से। तब शिव तीसर नयन उघारा, देखत काम भयं जड़ी छाड़ा। चारों तरफ जो है शिव जी ने जैसे देखा कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव को देखा, तब शिव तीसर नयन उघारा, देखत काम भयं जड़ी छाड़ा। जैसे तीसरा नेत्र शिव जी ने खोला तो कामदेव जल करके राख हो गया। इसका अर्थ क्या है? इन दो नेत्रों से ही काम क्यों नहीं जला? शिव जी ने संसार को उपदेश दिया कि ये दो नेत्र जो है ये तो काम के प्रवेश का मार्ग है। जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं इन नयनों से, इन आंखों से, तो ही इस नयन के माध्यम से हमारे हृदय में उसका सौंदर्य प्रवेश करता है, काम का प्रवेश होता है। तो इससे कामदेव को नहीं जलाया जा सकता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से ही कामदेव जल सकता है। काम जल करके तो राख हो गया, महात्मा सुखी हो गए, लेकिन विषयी लोग को दुख हुआ कि अब कामदेव चला गया, जल गया तो अब सुख नहीं आएगा। रति को जब पता चला कि मेरे पति को भगवान शिव ने जला करके राख कर दिया है, तो रति दौड़ती हुई आई, चरणों में प्रार्थना किया, सरकार मेरे पति, मैं तो विधवा हो गई, अब मेरे पति मुझे कैसे मिलेंगे? भगवान शिव का नाम है आशुतोष, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिवारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान जब कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आएंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में मिलेंगे। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने कहा कि भोले बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा तैयार हुए, लेकिन फिर समाधि में बैठे। राम जी ने आकर के भोले बाबा को वचन दिया, अब किस प्रकार से विवाह की तैयारी होती है, किस प्रकार से विवाह होगा, हम कल की कथा में सुनेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती, और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, प्राण प्यारे, ये जीवन सा
चरण में तुम्हारे हो, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा, तो तुमसे कहूंगा राधे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु जी चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी। ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो सहाओगे नाथ जो, सहाओगे नाथ जो, सहाओगे नाथ जो, खुशी से सहूंगा जय हो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, चलोगे वहीं मैं चलूंगा, चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आइए सभी लोग ठाकुर जी की आरती करें। हेलो, आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की।
मनसिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी, शीश पर क्रीट मुकुट सोहे, शीश पर शीश मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, शीश पर क्रीट मुकुट सोहे, शीश पर शीश मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, रेख कजरारे नन की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके, कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके, रेख कजरा रे नन के, लखन सिय जनक दुलारे, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, धन सरयू निर्मल नीरा निर्मल नीरा, भरत ऋतु दलन महावीरा, भरत ऋतु दलन महावीरा, मीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी, जिए जुग श्याम लता जोरी, भजोर मन सब माया तोरी तोरी, भजोर मन सब माया तोरी तोरी, जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी, जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी, भजोर मन सब माया तोरी तोरी, भजोर मन सब माया तोरी दर्शहित, दर्शहित युगल बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, सीताराम एक सीताराम दो, सीताराम तीन सीताराम चार, सीताराम पाँच सीताराम छः, सीताराम सात सीताराम आठ, सीताराम नौ सीताराम दस, सीताराम ग्यारह सीताराम बारह, सीताराम तेरह सीताराम चौदह, सीताराम पंद्रह सीताराम सोलह, सीताराम सत्रह सीताराम अठारह, सीताराम उन्नीस सीताराम बीस, सीताराम इक्कीस सीताराम बाईस, सीताराम तेईस सीताराम चौबीस,
सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपने से शांति मिलती है। भगवान के नाम में यह गुण है कि उनका नाम लेने से शांति मिलती है। सती पाश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, तजी समाधि संभु अविनाशी, बीते संबत सहज सतासी। 87,000 वर्ष के बाद शिवजी की समाधि टूटी। 87,000 वर्ष के बाद शिवजी के समक्ष जाती हैं सती, ने प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, शिवजी ने सम्मुख आसन दिया, बैठिए। जबकि पत्नी का स्थान कहां होता है? पति के बाएं भाग में। पति के बाएं भाग में पत्नी का स्थान होता है, लेकिन शिवजी ने सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, सम्मुख आसन दिया। क्यों? क्योंकि मन में पहले ही संकल्प कर लिए थे कि इस शरीर से अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, और फिर से कथा कहने लगे, क्योंकि कथा से थाक, कथा का उल्टा थाक होता है। कथा से थकान मिटती है। कथा सुनते सुनते यदि शरीर थक जाए, इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि हमने कथा को ठीक से नहीं सुना है। कथा से तो थकान मिटती है, थकान होती नहीं है। जैसे सम्मुख आसन दिया, इसी समय तुलसी बाबा कहते हैं, हरिद्वार क्षेत्र में जो सती का नैहर है, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया कनखल हरिद्वार में। सबको न्योता दिया, लेकिन शिवजी को न्योता नहीं दिया। अच्छा, समाज में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या? यदि किसी को ये पता चल जाए कि ससुर और जमाई में बातचीत नहीं होती है, तो लोग चुटकी खूब लेते, इधर भी उधर भी। मिथिला में एक बड़ा सुंदर कहावत है, घर फूटे गमार लूटे, घर फूटे तो गमार लूटे। कभी भी अपने घर की बात किसी और को नहीं बताना चाहिए। यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके घर में प्रेम नहीं है, तो लोग खूब चुटकी लेते हैं। जब देवताओं को यह पता चला कि शिवजी में और उनके ससुर में, दक्ष प्रजापति में बातचीत नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो देवता लोग विमान को उस कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लेके जाते हैं, दिखाने के लिए कि देखो देखो, आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं और आपको न्योता नहीं दिया, हमको न्योता दिया। शिवजी तो समझ गए इस बात को, लेकिन सती समझ नहीं पाई। सती कथा में बैठी थी, लेकिन जैसे विमान के जाने की आवाज सुनाई दी कांड में, तो ऊपर उठ करके देखती हैं, ताक करके देखती हैं, विमान को देखा। शिवजी से पूछा कि ये सारे विमान कहां जा रहे हैं, देवता लोग कहां जा रहे हैं? एक बार यदि कोई ट्रेन लेट हो जाए, तो सह समय ट्रेन नहीं पहुंचती है अपने गंतव्य स्थान पर।
उसी प्रकार एक बार सती ने गलती कर दी थी कि कथा को ठीक से नहीं सुना और कथा कहने वाले के ऊपर संदेह किया। परिणाम ये हुआ कि ना कथा का लाभ मिला, पति ने भी त्याग कर दिया, भगवान की परीक्षा लेने चली गई और अभी जो कथा में बैठी है तो मन लग ही नहीं रहा है कथा में। क्यों? क्योंकि शुरू में ठीक से कथा को नहीं सुना, मन चला गया वहां, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है, मन बड़ा ही चंचल है। जैसे विमान की आवाज सुनाई दी तो मन चला गया ऊपर कथा से। शिव जी ने बार बार समझाया लेकिन सती को समझ में नहीं आई। तब दो चार गणों को साथ कर दिए और सती जाती है पिता के घर। शास्त्र का आदेश है कि माता पिता के घर, गुरु के आश्रम में, मित्र के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई विरोध मानता है तो वहां नहीं जाने में ही भलाई है। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, एक मां ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि आखिर मां तो मां होती है, मां का हृदय बड़ा निर्मल होता है। बच्चों के लिए मां के हृदय में हर समय वात्सल्य रहता है, बच्चा चाहे कुछ भी करे लेकिन मां अपने हृदय से बच्चे को मानती रहती है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन जो थी मुस्कुराने लगी, बिना न्योता के आ गई, लेकिन मां ने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटी पिताजी थोड़े क्रोधी हैं। एक बार शिवजी से उनका अनबन हो गया था, उसी द्वेष के कारण शिवजी को न्योता नहीं दिया, इस बात को हृदय में मत रखना। सती को भी अब बुरा लगा, सती सीधे जाती है कहां, यज्ञ मंडप पर। कतहुं न देख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव के भाग को नहीं देखा तो बड़ा क्रोध आया। और अब सती भी मन में विचार करती है, हरि हरणी दासु नहीं जो खाना, हरि हरणी दासु नहीं जो खाना, कोई पाप घोघात समाना, जहां भगवान शिव की निंदा हो, हरि की निंदा हो, संत की निंदा हो, तो निंदा करने वाले भी और निंदा सुनने वाले भी दोनों को गोहत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुन ही जो कान, होई पाप गोघात समान, काटीता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदी न त चलिए पराई। जहां भगवान की निंदा हो रही हो, भगवान शिव की निंदा हो रही हो, किसी संत की निंदा हो रही हो, तो यदि बस चले तो निंदा करने वाला का जी काट लेना चाहिए, और यदि बस नहीं चले तो कान मूंद करके वहां से विदा हो जाना चाहिए। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना, काटियता सो जीव जो बसाई, यदि बस चले तो जी काट लेना चाहिए और यदि बस नहीं चले तो श्रवण मोदी न त चलिए पराई।
कान मूंद करके वहां से जाने में ही भलाई है। पर सती ने मन में विचार किया कि मैं तो दक्ष की पुत्री हूं और मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, इसीलिए मैं ये शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। दक्ष सुक्र संभव यह देही, दक्ष से ही मेरा ये शरीर है, इसलिए मैं शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। और भगवान शिव को ध्यान करके योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। जब रुद्रगणों को ये पता चला तो यज्ञ को तहस नहस कर दी। नारद जी ने जाकर के सारा समाचार भगवान शिव को सुनाया, वीरभद्र को भेज करके पूरा यज्ञ को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जब सती ने देह का परित्याग किया, उस समय भगवान से एक ही प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करती है? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो, मैं उनकी ही अर्धांगनी बनूं, उनके चरणों में ही मेरा प्रेम हो, यही वरदान मांगी। तुलसी बाबा ने लिखा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार बती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई कारण हिमगिरि गृह जाए जन्मी पार बती तनु पाए। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए जन्मी पार बती तनु पाए। इसी कारण से सती, चूंकि भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं जहां भी जन्म लूं मुझे भगवान शिव के चरणों में ही प्रेम हो, इस कारण से पार्वती के रूप में हिमालय के घर में पुत्री बनकर के उत्पन्न हुई, उनका जन्म हुआ। सती कौन है? तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा में और विश्वास में अंतर होता है। श्रद्धा में विश्वास में अंतर होता है। भवानी जो है श्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान शिव क्या है? विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा हमारी जुड़ती है, श्रद्धा टूट जाती है। जैसे किसी का आचरण मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी का स्वभाव अच्छा लगा, तो उससे हमारी श्रद्धा हो जाती है, उस पर हमारी श्रद्धा हो जाती है। लेकिन जैसे कुछ बुरा लग गया तो श्रद्धा टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा स्वरूपा सती ने देह का परित्याग किया और पुनः पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर के जन्म लेती है। लेकिन जब संत का आगमन होता है, कब? जब श्रद्धा धीरे 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 बढ़ने लगती है। पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर के आई और श्रद्धा जैसे 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 बढ़ने लगी तो संत नारद का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में हिमालय ने प्रणाम किया, मैना ने प्रणाम किया और अपनी बेटी पार्वती को भी कहा कि प्रणाम करो। मैं इस व्यास पीठ से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षित करिए, शिक्षा दीजिए। क्या? अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए।
वरों को प्रणाम करने से लाभ क्या मिलता है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशोबलम्। लेकिन आजकल ये परंपरा नष्ट होती जा रही है, बच्चे प्रणाम करना भूल गए हैं। अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में देखिए चार अक्षर है, आशीर्वाद चार अक्षर है। तो किसी को जब हम प्रणाम करते हैं तो बदले में हमें चार आशीर्वाद मिलता है। क्या क्या? आयुर विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज मिलते हैं। पार्वती ने भी संत नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद जी ने हाथ देखा। सभी माता पिता को अपनी बेटी के जन्म से डर नहीं लगता, बस एक ही चिंता रहती है कि कैसा घर होगा, कैसा बर होगा। इस बात से तो सभी माता पिता थोड़े चिंतित रहते ही हैं। माता जी वहीं से दे दीजिए। हाँ कोई नहीं, ठीक है, आप वहां दे दीजिए, पंडित जी चढ़ा देंगे। नारद जी कहते हैं कि आपके बेटी के भाग्य में सभी सदगुण हैं, सभी सदगुण हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता एहि तेजस पियहि पितु माता, एहि तेजस पियहि पितु माता, सदा अचल एहि कर अहि वाता। इनका जो सौभाग्य होगा वो सदा अमर होगा। लेकिन एक आध अवगुण भी है। अवगुण क्या है? अगुण अमान मातु पितु ही अमान मातु पितु हीना। नारद जी ने क्या कहा? यदि आज का ज्योतिषी ऐसा किसी के बेटी के बारे में कहता तो ज्योतिषी को पैसा बाद में मिलता, मार पहले पड़ती। कौन माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटी के भाग्य में ऐसा दुल्हा हो? नारद जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना। इनके जो पति होंगे वो कैसे होंगे? तो अगुण, जिसमें कोई गुण नहीं होगा।
लेकिन दूसरा भाव यह भी है कि जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे होंगे, सत्व रज और तम से जो परे होंगे अर्थात निर्गुण, कौन? तो भगवान शिव। अमान, अमान माने जिसको कोई मान सम्मान नहीं होगा। माता पिता तो यह अर्थ लेते हैं कि इसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी, लेकिन पार्वती जी अलग अर्थ लेती हैं कि जो मान सम्मान से परे होंगे, और मान सम्मान से परे कौन होते हैं? संत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत जो होते हैं मान सम्मान से परे होते हैं, उनको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता, वो इन चीजों से परे होते हैं। तो श्रोता तो कई होते हैं, सबको भाव अलग अलग लगता है। जब नारद जी पार्वती मैया के हाथ को देख करके उनकी भाग्य रेखा के बारे में बताते हैं तो उनके मां और पिताजी अलग अर्थ लेते हैं, पर पार्वती जी अलग अर्थ लेती है। पार्वती जी क्या अर्थ लेती हैं कि अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं होगा, ये अर्थ कौन लेते हैं? पार्वती की मां जो है मैना मैया, वो अर्थ लेती है। लेकिन पार्वती जी क्या अर्थ लेती हैं कि जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे होंगे अर्थात भगवान शिव। अमान माने जिसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसे कौन? तो भगवान शिव। पर उनकी मां क्या अर्थ लेती है? जिनके समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई मान सम्मान नहीं होगा। मां तो पितु ही ना, जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं उसको हम क्या कहते हैं? लावारिस कहते हैं। जिसके मां बाप का ठिकाना नहीं उसको लावारिस कहते हैं। लेकिन पार्वती जी क्या अर्थ लेती है कि जिनके माता पिता नहीं अर्थात जो सबके माता पिता है, भवानी शंकरो वंदे। कालिदास जी ने रघुवंशम में बड़ा सुंदर भाव कहा है कि वागरथा विव संप्रक्तो वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगतः पितरो वंदे, संसार के माता पिता कौन है? तो भगवान शिव और मैया पार्वती ही संसार के माता पिता है। जब नारद जी ने कहा कि मां तो पितु ही ना, तो सती अर्थ लेती हैं कि जो सबके माता पिता है, पर उनके माता पिता ने अलग अर्थ लिया। उदासीन सब संशय छीना, जो हर समय उदासीन रहेंगे। उदासीन कौन रहते? जो एकांत वास ज्यादा करते हैं, एकांत में जो भगवत प्रेमी होते हैं, भजन करते रहते हैं, संसार से उनको ज्यादा लेना देना नहीं होता, उनको केवल अपने राम से, अपने कृष्ण से, अपने भगवान से मतलब होता है। उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी एकह मिलही परिहस्त अशिरेख। नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, ध्यान से सुनिएगा, आपके बेटी के भाग्य में कैसा दुल्हा है? तो जोगी जटिल अकाम मन, जो जोगी होंगे, यदि आपको कोई कहे कि आपके बेटी के भाग्य में जोगी दुल्हा है तो आप करेंगे? भाई जोगी फकीर से कौन विवाह करना चाहता? हर कोई चाहता है कि मेरा दुल्हा जो हो हैंडसम हो, सुंदर हो, देखने में स्टाइलिस्ट हो, आजकल के जमाने का हो, पुराने जमाने का, पुराने ख्याल का ना हो। लेकिन नारद जी ने तो कहा कि जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त अशिरेख,
आपके बेटी के भाग्य में जो दुल्हा है कैसा है? तो जोगी है, जटिल है, जटा धारण करने वाला। आजकल पता नहीं कौन कौन से स्टाइल चले, आप देखिएगा कई लोगों को आगे से बाल को लाल कर लेते, पीछे से काले, कहीं लाल कहीं उजला कहीं पीला, ये सब आजकल के युग का प्रभाव है। इतना सुंदर केस को इतना बेकार बना लेते हैं, ये चारों साइड से कटा लिए कटोरी कट, जैसे मुर्गा सब। क्या मुर्गा सब को आपने देखा होगा, उसके सिर पर इतना बाल चुटकी जैसा ऐसा लटका रहता है। अब ये खैर उसको तो भगवान का देन है, लेकिन भगवान ने यदि पूरा सिर में बाल दिया है तो कोई कारण होगा ना। भगवान ने जो भी बनाया है उसकी सुंदरता के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहां से पूरा केस मुरवा करके यहां थोड़ा रख लिए, मतलब अलग अलग स्टाइल। अब हमको तो नाम भी पता नहीं कि उस कट का क्या नाम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसा बहे बयार वैसा पीठ ओरी, आजकल यही फैशन चल रहा है तो ठीक है। कई लोगों को देखिएगा सुंदर जींस को फाड़ करके यहां घुटने के सामने फाड़ देते, क्योंकि आजकल का स्टाइल ही ये युग का प्रभाव है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भागवत की कथा में जब भक्ति महारानी के पास श्री नारद बाबा जाते हैं, दुख का कारण पूछते हैं, तो नारद जी ने कहा कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्। जब भगवती भक्ति महारानी ने यह कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर के विदेश चली जाऊंगी, तो नारद जी ने कहा कि मां आजकल सब तो विदेश ही भाग रहा है, कम से कम आप तो देश में रहिए। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हर एक व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करता है आजकल, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार, अपनी मर्यादा को भूल करके दूसरे को देख करके उसकी संस्कृति को हम अपनाते हैं। जबकि अपनी संस्कृति को पहचानना, अपनी संस्कृति को बचाना ही सबका परम धर्म है, जो जहां का। हम मिथिला के हैं तो मिथिला की संस्कृति, मिथिला का संस्कार हम में होना चाहिए। आप यदि नेपाल के हैं तो आप में नेपाल का संस्कार, नेपाल की संस्कृति होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ धोखा करते। हम मानव हैं तो मानव वाला संस्कार होना चाहिए। अस्तु जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी ही कहा मिलही परिहस्त अशिरेख। इनके हाथ में क्या है, इनका पति कैसा होगा? तो जोगी जटिल अकाम मन, किसी के मन में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। मैना मैया कुछ और भाव लेती है कि अकाम माने जिनसे बंसी ही नहीं चलेगा भैया, लेकिन पार्वती क्या अर्थ लेती है कि जिसके मन में किसी प्रकार की कामना ना हो। कामना ही जीव को दुख देता है। मन में विचार आया कि इतना सुंदर घर है, एक गाड़ी हो जाती तो अच्छा रहता। अब जब तक गाड़ी नहीं होगी तब तक मन में दुख होता रहेगा, गाड़ी हो गई। मन में विचार आया कि घर में एसी लग जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि गाड़ी में बैठ करके जाते तो एसी चला करके जाते हैं, घर में आएंगे एसी नहीं लगा रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। अब जब तक एसी नहीं लग जाता घर में तब तक दुख है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को काम ही दुख देता है। और बड़ी सुंदर बात है, आजकल लोग दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं। किसी से पूछिए बाजार में कोई जा रहा है, पूछिए कहां जा रहे हो, भैया बोलेंगे काम से जा रहे हो। कोई बाजार में मिले, सड़क पे मिले, कहीं भी मिले, पूछिए कहां जा रहे हैं, क्यों आए हैं, तो काम से आए, कहां जा रहे हैं तो काम से जा रहे हैं।
ये बात वो स्वयं कहते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई और कह दे कि ये काम से चला गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा, काम से चला गया मतलब किसी काम का नहीं रहा। और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राम के लिए जीते हैं, एक काम के लिए, एक राम के लिए जीते हैं। यदि कोई महात्मा आपके यहां आए तो महात्मा से पूछे कैसे आना हुआ, तो बोलेंगे मेरे राम जी की इच्छा, क्या खाना है, क्या प्रसाद पाइएगा, तो बोले मेरे राम जी की जो इच्छा होगी वही पाऊंगा। कब तक रहना है, तो जब तक राम जी की इच्छा होगी। कब जाना है, जब राम जी की इच्छा होगी। ऐसे जो भी काम करते हैं सब राम जी की इच्छा से, लेकिन जो संसार के लिए जीते वो कहते काम से जा रहा हूं, काम से आया हूं। जो राम राम कहते हैं वो राम में मिल जाते हैं, और जो काम काम कहते वो किसी काम के नहीं रहते, काम से चले जाते हैं। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर धन भेज देंगे उधर जाएंगे, धन भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा,
बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर मर जाएगा, भगवान की जय। किसी प्रकार की जयकारा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक राम के प्रेमी और एक काम के प्रेमी। जो राम के प्रेमी होते हैं वो राम में चले जाते हैं, और जो काम के प्रेमी होते हैं वो काम से चले जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। अच्छा, संसार में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के रह नहीं सकते। फिर बीच का रास्ता निकालिए। लोगों की दुविधा यह है कि वो राम को छोड़ नहीं सकते और ना काम को छोड़ सकते। राम के बिना उनको अच्छा नहीं लगता और काम किए बगैर रह नहीं सकते। अब दोनों को साथ में लेकर के चलना है तो कैसे चलना होगा? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। हाथ से कर्म करते रहिए लेकिन मन को भगवान के चरणारविंद में रखिए, तो काम भी नहीं छूटेगा और राम में मन भी लग जाएगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। अच्छा, जब आप रास्ता पर चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दाएं चलना है कि बाएं चलना है, आगे चलना है पीछे, सब चारों तरफ देख के चलना पड़ता है। अब इधर से गाड़ी आ रही है तो भी परेशानी, उधर से आ रही है तो भी परेशानी। आप साइकिल से चलिएगा तो भी बच के चलना होगा, मोटरसाइकिल से चलिएगा तो भी बच के चलना होगा, कार से चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा, और तो छोड़ो भैया पैदल चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गाड़ी आकर के धक्का ना मार दे। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आराम से 10 रुपए का टिकट लीजिए और बस में जाकर के बैठ जाइए। ना आपको आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना आगे देखना, ना इधर उधर कहीं भी देखना ही नहीं है। क्या करना है? केवल टिकट लेकर के बस में बैठ जाना है।
अब उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि आपको आपके स्थान पर कैसे पहुंचाएगा। ठीक उसी प्रकार इस अध्यात्म के मार्ग पर भी चलने में बड़ी कठिनाई है। छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए श्रद्धा का टिकट लेकर के विश्वास की गाड़ी में बैठ जाइए और आपको पार लगाएंगे कौन? तो सदगुरु। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते रीतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते रीतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा का टिकट ले लीजिए। तो श्रद्धा की टिकट मिलती कहां है बताइए? तो कौन कौन श्रद्धा का टिकट लेना चाहते हैं हाथ उठा करके बताइए। समझ में नहीं आई? अरे श्रद्धा का टिकट किसको किसको चाहिए? द कश्मीर फाइल्स का टिकट यहां नहीं बिक रहा है। श्रद्धा का टिकट चाहिए तो सत्संग के काउंटर पर आना होता है। यदि श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा कब होगी? जब किसी को जानेंगे तब। तो ये कैसे पता चलता है कि राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं? तो जब सत्संग में आते हैं तभी पता चलता है। तो सत्संग के काउंटर पर श्रद्धा की टिकट मिलती है। श्रद्धा का टिकट लेकर के विश्वास की गाड़ी में बैठ जाइए तो आपको पार लगा देगा कौन? सदगुरु। लेकिन दुविधा तो यहां भी है। आजकल लोग सच्चे गुरु की तलाश में है। लोग कहते हैं सच्चा गुरु खोजो। अब भाई जब इतना ज्ञान हो ही जाएगा कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सच्चा झूठा का ज्ञान यदि हो जाए तो उसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। किसी संत ने कहा कि नहीं, सच्चे गुरु की तलाश मत करिए। श्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरु बिना बुलाए आ जाएंगे। एक राजा की बेटी थी, राजमहल में पली बढ़ी, लेकिन सत्संग के कृपा से, संत की कृपा से वो बचपन से ही भगवान का भजन खूब करती थी। एक दिन एक चोर आया और चोर ने देखा कि ये तो बड़े साधु है। खिड़की से झांक करके देखा, किसको? राजकुमारी को। कहा कि अच्छा है, साधु का वेश बना लिया, तिलक लगा ली, सुंदर वस्त्र धारण कर लिया। बाना बदलने में कितना समय लगता है एक्टर को? 10-15-20 मिनट। वेश बना लिया साधु का, था चोर। गया उस राजकुमारी के पास। राजकुमारी ने जैसे देखा कि वेशभूषा से महात्मा आए हैं, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बाबा पानी पीजिए। उस छलिया गुरु ने, छलिया महात्मा ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम अवैष्णव के हाथ का जल नहीं लेते। जो वैष्णव नहीं है, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, जो तिलक नहीं लगाता है, हम उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते। बोले बाबा हम तो गुरु की तलाश ही कर रहे हैं, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपको ही गुरु बना लूंगी। चोर ने देखा कि अब तो ये मेरे बस में है। बोले हम यहां मंत्र नहीं देंगे, चलो यदि तुमको मंत्र लेना हो तो चलो मेरे साथ जंगल में। राजकुमारी का हृदय जो था बड़ा सच्चा था, गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा थी, उसके साथ चली गई। जब जंगल में गई तो उस गुरु ने क्या किया, उसका सारा धन ले लिया और धन लेकर के विचार किया कि यदि इसको ऐसे खुला छोड़ दूंगा तो ये जाकर के राजा से शिकायत करेगी, बाद में मुझे दंड मिलेगा। तो उस राजकुमारी को एक पेड़ में बांध दिया और कहा कि जब तक मैं स्वयं ना आऊं तब तक कोई आ जाए, ये बंधन खोलने मत देना। राजकुमारी ने कहा कि ठीक है बाबा, जब तक आप स्वयं आकर के मेरा बंधन नहीं खोलोगे तब तक मैं ऐसे बंधी रहूंगी। और चोर सारा धन लेकर के चला गया।
प्रातः काल हुआ, जब राजा ने देखा कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है तो रथ पर सवार होकर के बेटी को खोजने के लिए गए। खोजते खोजते एक जंगल में देखा कि मेरी बेटी तो पेड़ से बंधी हुई है। गया बंधन खोलने के लिए, बेटी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि आप पिताजी हैं, आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुजी ने बांधा है, इसको खोलिएगा मत। अरे बाबरी हो गई है क्या, गुरु का काम बांधना नहीं है, गुरु तो बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसा गुरु जो बंधन में डाल दे। बेटी तुम्हें किसी छलिया ने साधु का वेश धारण करके तुम्हें ठग लिया है। राजकुमारी ने कहा कि जो हो मेरे गुरु के बारे में ऐसे मत बोलिए। राजा समझा करके थक गए, उसने बंधन नहीं खुलवाया, राजा चले गए अपने कक्ष। नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि भाई ये बेचारी हृदय से तो बड़ी साधु हुई है, भगवान के चरणों में इसका बड़ा प्रेम है, लेकिन चोर ने साधु का वेश धारण करके इसको बंधन में डाल दिया। नारद जी को देख करके राजकुमारी ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम। गए, बेटी मैं ये बंधन खोल देता हूं। बोले नहीं नहीं बाबा, माफ करना, ये बंधन किसी और का बंधा हुआ नहीं है, मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है। बोले बेटी ये गुरु नहीं, एक चोर था जो तुम्हें तुम्हारे देह में जो सोना चांदी के आभूषण थे उसको देख करके उसके मन में विकृति आ गई और उसने तुम्हारा धन लेने के लिए ये छल किया है। अरे गुरु का काम बांधना नहीं, गुरु का काम तो खोलना होता है। यदि कोई बंधन में पड़ा है तो गुरु ज्ञान के द्वारा सन्मार्ग पर लाता है शिष्य को, ये कैसा गुरु जो बंधन में डाल दे। बोले बाबा ठीक है, आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, लेकिन मेरे गुरु के बारे में ऐसे ना बोलिए। और नारद जी से भी बंधन नहीं खुलवाई। नारद जी ने जाकर के नारायण से कहा कि देखिए आपका भजन करने वाली एक साधु, एक राजकुमारी को एक चोर ने गुरु बना करके, गुरु बनकर के उसका सब कुछ छीन लिया और बंधन में डाल दिया है। भगवान ने विचार किया कि चलो हम भी थोड़ा चल करके देखें। भगवान वैकुंठ धाम से आ गए नीचे, उस राजकुमारी को कहा कि बेटी मैं खोल देता हूं। भगवान को भी राजकुमारी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे बंधन नहीं खुलवाऊंगी, क्योंकि ये गुरु जी का बंधा हुआ है, यदि कोई सामान्य व्यक्ति बांधा होता तो मैं खुलवा लेती, लेकिन गुरु जी का आज्ञा है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक ये बंधन किसी को खोलने मत देना। भगवान भी थक गए, नहीं खुलवाई वो बंधन। अब देखिए श्रद्धा इसी को कहते हैं। भगवान ने कहा कि जाओ देखना वो चोर कहीं गया नहीं होगा, इधर उधर भटक रहा होगा, फिर बहाना बदल करके किसी को ठगने के चक्कर में होगा। जिसका काम ही है ठगना वो तो कभी साधु बन जाएगा, कभी चोर बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, वो कहीं गया नहीं होगा। नारद जी गए, ढूंढते ढूंढते देखा कि फिर एक जगह साधु का वेश बना करके लोगों को ठगने के लिए तैयार था। हाथ पकड़ा, बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। चोर ने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा धर्म किया जिसके लिए भगवान मुझे बुलाए, मैंने तो केवल पाप ही किया है, लोगों को धोखा दिया है, ठगा है। बोले आज भगवान तुम्हें दंड देंगे। अरे एक उस राजकुमारी को तुमने बंधन में डाल दिया है। चोर आए, थर 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 बेचारा कांप रहा था कि पता नहीं भगवान आज मारेंगे कि जलाएंगे। हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले कम से कम एक घर तो छोड़ देते, डायन भी एक घर छोड़ करके नजर टोना लगाती है किसी और को, अरे तुम तो उससे भी आगे निकल गए, कम से कम इस साध्वी के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, जल्दी खोलो। गुरु ने खोला बंधन और फिर वो बंधन से मुक्त हुई, अपने घर गई। इसका अर्थ क्या है, इसका क्या ये मतलब है कि गुरु ऐसा ही होता है? नहीं, यदि श्रद्धा सच्ची होगी गुरु कैसे भी होंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा यदि सच्ची होती है तो भगवान भी आ जाते हैं। भले गुरु का कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने कारण गुरु का भी उद्धार करते हैं, और यही कथा में तो आपने सुना, गुरु चोर था लेकिन शिष्य के मन में गुरु के वचन के प्रति यदि निष्ठा थी तो भगवान भी दर्शन आकर के दिए।
इसलिए संत कहते हैं सच्चे गुरु की तलाश मत करो, श्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरु तो स्वयं मिल जाएंगे। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, लेकिन हम लोग यही मार खा जाते हैं। हम लोग सच्चे गुरु की तलाश करते हैं। सच्चे गुरु की तलाश मत करिए, श्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरु भगवान स्वयं बन करके आ जाएंगे। इसलिए श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो सत्संग में ही एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि गुरु कामी हो, यदि गुरु लोभी हो, यदि गुरु क्रोधी हो, तो गुरु में अवगुण नहीं देखना चाहिए। गुरु में, माता पिता में, महापुरुष में, संत में अवगुण भूल से भी नहीं देखना चाहिए। यदि गुरु के अंदर काम दिखे तो समझिएगा कि ये कृष्ण के रूप में है। यदि गुरु मर्यादित हो तो समझिएगा राम के रूप में है। यदि गुरु में लोभ होगा तो समझिएगा कि वामन के रूप में है। और यदि गुरु में क्रोध होगा तो समझिएगा कि परशुराम दुर्वासा के रूप में है। लेकिन जिस भी रूप में है गुरु, गुरु ही होते हैं। गुरु में अवगुण भूल से भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे तो किसी का अवगुण नहीं देखना चाहिए, लेकिन खासकर संत में, महापुरुष में, गुरु में, सदगुरु में कभी भी अवगुण नहीं देखना चाहिए। और संत के संग करने से ही जीवन में उद्धार होता है। श्री कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी आज तक बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, ओए तेरो बर भाग रे, ओए तेरो बर भाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। इसका अर्थ क्या है? कागा से तोहे हंस करेंगे। वस्तुतः हम आप सभी भगवान के ही संतान हैं, लेकिन इस माया के कीचड़ में पर करके हम अपनी चाल भूल गए, माया की कालिमा लग गई तो हम अपने आप को कौआ मानने लगे और हम दुखी हो गए। सदगुरु क्या करते हैं? सत्संग की गंगा में नहा करके जो देह में, जो आत्मा में, जो शरीर में मैल लगा हुआ है उसको धो देते हैं, तब पता चलता है कि हम तो हंस हैं। इसीलिए कबीर बाबा कहते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे संतन के सच लाग रे, तेरी अच्छी बनेंगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेंगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेंगे। श्री राधे सुतबित नारी भवन परिवारा, सुतबित नारी भवन परिवारा, सुतबित नारी भवन परिवारा, सुतबित नारी भवन परिवारा, त्याग सके तो अब त्याग रे, त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरे अच्छे बनेंगे संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी के लगभग जितने भजन हैं सब में ये पंक्ति है। क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। किसी ने कबीर दास जी से पूछा कि आप सबको ऐसा क्यों कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु का ही नाम क्यों लेते हैं? तो कबीर दास जी ने सुंदर जवाब दिया, जो साधु होगा वही मेरी बात मानेगा, जो साधु होगा ही नहीं वो मेरी बात भला क्यों माने। इसीलिए कबीर दास जी स्पष्ट कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साधो राम चरण अनुराग रे मेरी अच्छी बनेगी बोल संत भगवान की जय। ऐसे नारद बाबा का शुभागमन हुआ कहां? हिमालय के घर में। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी एही कहाँ मिलही परिहस्त अशिरेख। तुलसी बाबा ने कहा जे जे बर के दोष बखाने जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने जे जे बर के दोष बखाने जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं ने कहा कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। हे मैना मैया, मैंने दुल्हा के जो जो दोष गिनाए हैं मुझे लगता है कि वो सारे दोष भगवान शिव में है। लेकिन जो विवाह संकर्षण होई दोषों गुण सम कह सब कोई। यदि भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह होता है तो दोषों गुण सम कह सब कोई। दोष को भी लोग गुण ही कहेंगे। कैसे? दोष तो दोष होता है और गुण तो गुण होता है। लेकिन यदि पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाता है तो दोषों गुण सम कह सब कोई, दोष भी गुण बन जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, किसी नाला के पानी से कोई पूजा नहीं करता, नाला के पानी में कोई स्नान नहीं करता, लेकिन वही नाला का पानी यदि गंगा जी में जाके मिल जाता है तो लोग जानते हैं, देखते हैं, उनकी आंखों के सामने नाला का पानी गंगा जी में मिलता है, लेकिन फिर भी डुबकी लगाते हैं। जब तक उस नाला के पानी का संबंध गंगा के पानी के साथ नहीं था तब तक वो अशुद्ध था, स्नान के योग्य नहीं था, पाने योग्य नहीं था, पीने योग्य नहीं था। लेकिन जैसे नाला का पानी गंगा से जाके मिल गया तो दोषों गुण सम कह सब कोई। उस पानी में भी गंगा का पानी के प्रभाव से पावनत्व आ गया। नारद जी ने कहा दोषों गुण सम कह सब कोई। और ऐसे भी मैया,
समरथ कहो नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। इसका अर्थ लोग यह लेते हैं कि समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनको दोष नहीं लगता। बोले कौन कौन से? तो रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, सुर सरी माने आपका यह सुनसरी नहीं, सुर सरी माने देव नदी गंगा। मुझे पता चला कि इस नदी का भी नाम पहले सुरसरी ही था, लेकिन कालांतर में चल करके सुनसरी हो गया। लेकिन वस्तुतः सुरसरी का अर्थ होता है देव नदी गंगा। सुरसरी, सुर माने देवता और सरी माने नदी, अर्थात देव नदी, देव नदी माने गंगा। रवि पावक सुरसरी की नाई। जो अही सेज, जो अही सेज सयन हरि करहीं, बुध कछुतिन कर दोष न धरहीं। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। आग में लोग सुंदर भोजन भी बनाते हैं और आग में मांस भी पकाते हैं, लेकिन आग अपवित्र नहीं होता। आग में वो दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आग में अपना विशिष्ट गुण है, पावनत्व गुण है, दाहकत्व गुण है, इस कारण से ही। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगता, ऐसा अर्थ मत लगाइएगा। इसका अर्थ यह है कि जिसमें गुण, जिसमें दोष नहीं होता है वही सामर्थ्यवान। ऐसा नहीं कि इस देश का मालिक जो है सामर्थ्यवान है, जो करेगा सब अच्छा ही होगा। जिसमें दोष नहीं होता है उसी को सामर्थ्यवान कहना चाहिए, और जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपकी बेटी तपस्या करे तो सब कुछ संभव है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करई संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तपस्या के कारण ही विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तपस्या के बल पर ही रुद्र संसार का संहार करते हैं। श्री नारद बाबा ने कहा कि तपते अगमन कछु संसारा। तपस्या यदि कोई करे तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल रुद्र कर तपबल रुद्र करहि संहारा, तपबल रुद्र करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा। बोले हे मैया,
इस संसार में तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पाया जा सकता है। और जो तपस्या नहीं करता है तो तप का उल्टा क्या होता है? त और प, तप हुआ और उसका उल्टा होता है पत। पत माने पतन। आजकल की माताएं अपने पति को क्या कहती हैं? हस्बैंड कहती हैं, पति नहीं कहती। और आजकल के पुरुष वर्ग के लोग भी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कह करके और नाम से पुकारते हैं, जबकि इसके पीछे एक बड़ा तात्विक अर्थ छुपा हुआ है। पत्नी और पति दोनों पत धातु से बने हैं। हमारे यहां जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो उससे पहले उसका अलग नाम होता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है, यदि किसी का नाम जानकी है और उसके पिता का नाम राधारमन झा है, तो लड़कियां अपने नाम के पीछे क्या लगाती है? या तो जानकी झा या जानकी कुमारी। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो जानकी देवी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद उसमें दिव्यता आ जाती है। दिव्यते प्रकाशयति यासा देवी। देवी का अर्थ ही है जिससे दिव्यता आए। और आप देखते होंगे जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके शरीर में दिव्य संस्कार आ जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है और भगवत कृपा से धीरे धीरे स्वभाव भी बदल जाता है। दिव्यते प्रकाशयते अनेन यासा देवी, जिससे दिव्यता आए, प्रकाश आए, वही देवी। एक पंडित जी थे मिथिला के, कलकत्ता में पंडित जी की बड़ी पूछ होती है, वहां गए। बड़े पढ़े लिखे थे, व्याकरण का बढ़िया ज्ञान था, लेकिन तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, पंडित सोई जो गाल बजावा। आप पढ़े लिखे कितना है ये मैटर नहीं करता, आप कितना बढ़िया से यजमान को प्रसन्न कर देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आपने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं यजमान को। यदि यजमान प्रसन्न हो गए तो आपका माले आप माला माल हो जाएंगे। यदि यजमान प्रसन्न नहीं हुए, आप चाहे कितने भी विद्वान हैं, तो कोई काम नहीं बनने वाला। एक सेठ के यहां, मारवाड़ी सेठ के यहां वो पंडित जी गए जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन जो मिथिला के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि य को ज भी बोलते हैं मिथिला। जा देवी सर्वभूतेषु, जैसे यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ बोलते, षष्ठी नहीं बोलते, खष्ठी बोलते हैं मिथिला में। य को ज भी बोला जाता है। जतो जतः समी हसे, जबकि यतः है, लेकिन य को ज भी बोला जाता है। वो पंडित जी जो गए तो बोलते थे कि जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। लेकिन उस सेठ के यहां एक दूसरा पंडित पहले से पूजा करते थे। ध्यान से सुनिएगा, तो दो पंडित को ये एक पंडित कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि मेरा यजमान किसी और पंडित से पूजा कराए। जो पंडित जी पहले से ही किसी यजमान के यहां हैं, उस पंडित जी को यह बात पचेगा नहीं कि मेरे यजमान को कोई और अपना ले। 3 महीना के बाद जब छुट्टी में आया, देखा कि मेरे यजमान तो किसी और पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं, और हैं भी विद्वान, वेशभूषा से भी वाणी से भी विद्वान लगते हैं, और मैं ठहरा मूर्ख पंडित। अब यजमान तो इसको इसके ऊपर बरस गए हैं, प्रसन्न है, विद्वान पंडित थे भाई, यजमान खूब माला माल कर दिए। लेकिन मूर्खक लाठी बीचे कपार कहावत है ना, मूर्खक लाठी बीचे कपार। सो मूर्ख पंडित ने देखा कि इसको हटाना कैसे है, तो यजमान के पास गए और बोले कि आप कितने मूर्ख आदमी हैं, अरे आपका पैसा भी जाते हैं और भगवती भी आपके घर से जा रही है। यजमान ने कहा कि ये कैसे, आप जब पंडित जी पाठ करते हैं तो वहां बैठिएगा,
और सुनिएगा पंडित जी क्या कहते हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जो भगवती बचपन से ही आपके घर में रह रही थी उस भगवती को ये पंडित भगा रहा है। जा देवी सर्वभूतेषु, बोले शुद्ध क्या होना चाहिए, तो मूर्ख पंडित ने कहा कि आ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। अच्छा हे भगवान, इसीलिए तो 3 महीना से मेरा कोई नया काम नहीं हुआ है, कोई लॉटरी नहीं लगी है, ये पंडित गलत पाठ करता है। उस विद्वान पंडित को बीचे पाठ में हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, बोले पंडित जी आपका काम पूरा हो गया, जो दक्षिणा हिसाब करिए आप अपने घर जाइए, मेरे घर की भगवती को आप भगा रही है। पंडित जी ने कहा कि ये कैसे अचानक इस सेठ को हो क्या गया। तो पहले वाला जो पंडित था जो मूर्ख था उसको ज्ञान ज्यादा नहीं था लेकिन शब्द का चातुर्य था। पंडित जी कैसे यजमान को प्रसन्न करे ये बात उसको पता था। तो आ देवी सर्वभूतेषु, बोले देखिए तो ये पंडित जी कहता है कि आ देवी सर्वभूतेषु और आप कहते हैं जा देवी सर्वभूतेषु, तो विद्वान पंडित का पत्ता साफ। कभी कभी भाई ज्ञान भी बड़ा हानिकारक होता है, मूर्ख रहने में ही भलाई। लेकिन ये मैंने हास्य विनोद में कहा, इसको हृदय में ना रखिएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शिष्य किंकरा। श्री मनुस्मृति में मनुजी महाराज लिखते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, कोई बल में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, कोई आयु में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में वृद्ध है, जो ज्ञान में परिपक्व है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजा अपने देश में ही होता है, स्वदेशे पूज्यते राजन, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजा केवल अपने देश में होगा लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। इसको इधर मत भेजिए। तपते अगमना कछु संसार, यदि संकल्प ठोस होगा, मन में सच्ची श्रद्धा होगी, विश्वास होगा अपने कर्म के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावी उमेठ सकहीं त्रिपुरारी। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भाग्य का लिखा भी मिटता है। कौन मिटा सकता है, जो देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव को ये स्पेशल पावर है, स्पेशल शक्ति है। जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावियों में टिशक ही त्रिपुरारी। बोले प्रमाण क्या है, मृकंड नाम के ऋषि के पुत्र हुए मारकंडेय, उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन शिवजी की आराधना किए तो शिव ने उन्हें अमर कर दिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतां स्मरेण नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टकम्। इस संसार में 8 लोग ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। कौन कौन, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो राजा बलि, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, वेद व्यास भगवान जिन्होंने पुराण की रचना की, शास्त्र का विभाग किया और वेद का विभाग किया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण और हनुमान जी भी जीवित ही हैं। बोलिएगा प्रमाण क्या है, चारों जुग परताप तुम्हारा, हनुमान जी हैं इसका यही प्रमाण है। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप, उनकी महिमा है। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण और विभीषण जी भी जीवित ही है। कृपा परशुरामश्च, कृपा माने कृपाचार्य,
कौरव के कुलगुरु कृपाचार्य परशुराम और परशुराम जी सप्तैते चिरजीविनः, ये सात चिरजीवी हैं, अमर हैं। लेकिन एक और है, सप्तैतान स्मरेण नित्यम मार्कण्डेय मथाष्टकम्। मार्कण्डेय और ये शिवजी की कृपा से ही चिरजीवी हैं। तो नारद जी ने कहा, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकही त्रिपुरारी, भावी में सकही त्रिपुरारी, जो तप कर करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी। यदि आजकल के यजमान होते तो पंडित जी को मार करके भगा देते। पंडित जी ऐसी अशुभ बात कहते हैं, मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दुल्हा होगा। आजकल के पंडित जी को जन्म कुंडली दिखाने जाइए या हाथ दिखाने जाइए तो दो चार पत्थर लिख ही देंगे। उनका भले अपना बेटा गुर्बक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, यदि पत्थर पहनने से ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो पंडित जी अपने बेटा को ही बढ़िया बना लेते। डॉक्टर के पास चले जाइए तो दवाई लिख देंगे, बाबा जी के पास चले जाइए तो बहुत दे देंगे, और पंडित जी के पास चले जाइए तो बोलेंगे ये अनुष्ठान करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नारद जी ऐसे पंडित हैं, ऐसे संत हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बेटी को ही तपस्या करना होगा। आजकल के पंडित जी कहते हैं फोन पर आप संकल्प कर लीजिए, पाठ हम कर देंगे। कमाल है। मतलब कोई मुंबई में है और ठेकेदार पंडित जो होते हैं, यहां ठेका ले लिए, फोन पर संकल्प करवा लिए, अब भगवान जाने वो आम पढ़ते हैं कि इमली पढ़ते। और यदि ऐसा करने से ही सब कुछ हो जाता, फोन पे ही सब कुछ हो जाता, कान में ईयरफोन लगा करके और गीत सुनने से ही कोई गायक हो जाता तो लोग गुरु जी के पास क्यों जाते, किसी महात्मा के पास क्यों जाते? ये सब विकल्प है। जब कोई और साधन नहीं बचे, कोई और रास्ता ना बचे, तो अंत में ये विकल्प है। लेकिन आजकल लोग विकल्प को ही संकल्प बना लिए हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी को तपस्या करना होगा, और यदि शिवजी के साथ विवाह हो गया तो दोषों गुण सम कह सब कोई, दोष भी गुण में बदल जाएंगे। पार्वती जी के बारे में ऐसा सुनकर के मैना रोने लगी। नारद जी तो चले गए, लेकिन मैना एकांत में जाकर के, पति एकांत पाई का महिना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना, हिमालय के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है, महाराज माफ करिएगा, मैं महात्मा की बात को समझ नहीं पाई, वो आखिर कहना क्या चाहते थे? पार्वती मैया ने आकर के कहा कि मैया, मैंने रात में सपना देखा है, एक सुंदर बटुक ब्राह्मण मुझे आकर के प्रेरित करते हैं तपस्या करने के लिए। हिमालय ने कहा कि महात्मा का यही आदेश है, नारद जी का यही आदेश है, तो इन्हें तपस्या करने के लिए भेज दो। पार्वती जी तपस्या करने चली जाती है जंगल में। तपस्या कैसे करती हैं? थोड़ा फल ले लेती हैं, थोड़ा जल ले लेती हैं, कि शरीर में प्रमाद भी ना हो और शरीर कमजोर भी ना हो। यदि ज्यादा भरपेट भोजन कर लेंगे तो नींद आएगी, फिर भजन में मन नहीं लगेगा। कहते हैं ना, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन करिए और एक बार भजन करने बैठिए तो भजन जैसे करने बैठिएगा ऐसे नींद आने लगेगी।
तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ थोड़ा यमुना नहाओ। जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। जाते जाते मंदिर में लग गया के बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो अनेक प्रकार के झंझट हैं दुनिया में, इन झंझटों से यदि बचना है तो श्रद्धा का टिकट लेकर के विश्वास की गाड़ी में बैठ जाइए। विश्वासो फलदायक, बड़ी सुंदर उक्ति है, विश्वासो फलदायक। यदि विश्वास होगा तो फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि विश्वास नहीं होगा तो मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल आपके लिए मूर्ति है, उसमें भगवान दिखाई नहीं देंगे। हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इसका फल क्या है? भगवान का दर्शन कब मिलता है? जब जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। और भगवान के दर्शन का क्या फल है? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं आप मेरे दर्शन करने आते हैं, ये आपके पुण्य का फल है। आज यदि आप सत्संग में आए हैं, कथा सुनने आए हैं, तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदय होते हैं तभी सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, सुंदरकांड चौथा दोहा, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग माने जहां देवता लोग रहते हैं ऊपर, स्वर्ग के सुख को अपवर्ग के सुख को, अपवर्ग माने वैकुंठ, स्वर्ग के सुख, वैकुंठ के सुख, ब्रह्मलोक के सुख, सबको तराजू के एक पलड़े में रखिए और तराजू के दूसरे पलड़े में सत्संग के एक क्षण के सुख को रखिए। तुलसी बाबा ने कहा कि तूलनता ही सकल मिली, सब सुख बराबर होकर के भी एक क्षण में जो सत्संग में सुख मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यदि भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। अच्छा, सत्संग जो करते हैं इसका फल क्या है? भगवान का दर्शन जो करने जाते हैं ये तो हमारे पुण्य का फल है कि भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान के दर्शन से जो पुण्य मिलता है उसका क्या फल है? राम जी ने स्वयं कहा है, मम दर्शन फल परम फल परम अनुपा,
सहज स्वरूप दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का यह फल है कि जीव अपने आप को पहचाने। भगवान क्या है? दर्पण है। भगवान क्या है? दर्पण है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, यदि चेहरा बिगड़ा रहता है तो उसको ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान को जब भी देखने जाइए किसी भी मंदिर में, तो भगवान को देख करके आप अपना चेहरा सुधारिए। क्यों? क्योंकि आप भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है, मानव जो है, किसके अंश है? भगवान के ही अंश। भगवान को देख करके आप यह स्मरण करिए कि मैं इन्हीं का संतान हूं, तो क्या ये सुखी हैं तो फिर मैं दुखी क्यों? तब पता चलेगा कि वस्तुतः हम दुखी हैं नहीं, लेकिन माया में पड़ करके, बंधन में पड़ करके, मोहों में पड़ करके जब बहुत सारी माया का बोझ हम अपने सिर पर ले लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा कोई यदि 4-5 साल का है तो उसको दुखी आप नहीं देखेंगे। यदि वो एक क्षण के लिए रोता भी है तो उसकी माँ उसे दूध पिला देती है, वो खुश हो जाता। क्यों? क्योंकि उसे बहुत कामना नहीं होती, उसको बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, उसको बड़ा बड़ा मकान नहीं चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मन में कामनाओं का बौछार लगता जाता है, हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं होने लगती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने वास्तविक रूप को पहचान ले, यही भगवान के दर्शन का फल है। तपस्या करने गई पार्वती मैया। तुलसी बाबा कहते हैं पार्वती जी का तो जन्म भी हो गया, वो तपस्या करने भी चली गई, लेकिन शिव जी का क्या हुआ? जब सती अपना देह परित्याग कर देती हैं, यज्ञ तहस नहस हो गया, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को मनाया, देवताओं ने प्रार्थना की, शिव जी मान गए, यज्ञ पूरा हुआ। वीरभद्र ने जिस महात्मा का दाढ़ी उखाड़ लिया था, जैसे प्रार्थना करने की कई लोगों की आदत होती है, आप देखेंगे ऐसे मूछ ऐंठने की, अब मूछ नहीं भी है, थोड़ा छोटा भी है तो इसको ऐंठते रहते हैं। कई लोगों को दाढ़ी नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे करते रहेंगे, उनका स्वभाव हो जाता है धीरे धीरे। भृगु नाम के महात्मा जो थे, जिन्होंने भगवान शिव के गणों की निंदा की थी, वीरभद्र ने उनका दाढ़ी ही पकड़ के उखाड़ दिया। जब शिव जी की प्रार्थना करने गए तो आदत तो हो गई थी दाढ़ी पर ऐसे हाथ फेरने की, तो हाथ फेरने लगे, लेकिन याद आया कि दाढ़ी तो पहले ही उखड़ गए, मुंह लटक गया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि बाबा इनका दाढ़ी उखड़ गया, दाढ़ी के बिना इनको अच्छा नहीं लगता, आप दाढ़ी दे दीजिए। शिव जी ने कहा कि पूरा दाढ़ी तो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा दे देता हूं। थोड़ा दे दिए, बोले इसी से काम चल जाएगा। जिन जिन देवताओं ने शिव जी की निंदा की थी, किसी ने दांत दिखा करके खूब हंसा था, तो वीरभद्र ने उनका दांत ही तोड़ दिया। जब उस देवता ने शिवजी से जाकर के पूछा कि भोजन कैसे करेंगे, पकौड़ी कैसे खाएंगे, तो बोले सत्तू पी करके काम चलाओ, पकौड़ी खाने की क्या आवश्यकता है।
जब सत्तू पी करके भी जिया जा सकता है तो मालपुआ खाने की इच्छा क्यों करते हो? कबीरदास जी ने कहा, रूखा सोखा खाए के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपरी मत ललचाओ जी। जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में प्रसन्न रहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, लेकिन जब से कोरोना आया तब से ठंडा पानी नहीं, रूखा सूखा खाए के गर्म पानी पी। जिनको गर्म पानी पीने की नहीं भी आदत थी, जब से कोरोना बेचारा आया सब गर्म पानी पीने लगे। हमको लगता है कबीरदास जी से कहकर के इस पंक्ति को बदलवाना होगा, ठंडा पानी के जगह पर गर्म पानी लिख दिया जाए। रूखा सूखा खाए के गर्म पानी पी, देख बिरानी चौपरी मत ललचाओ जी। लेकिन इसका भाव यह है, अब ठंडा पानी गर्म पानी के चक्कर में ना पड़िएगा, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया। इसका भाव यह है कि जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें खुश रहिए। सुख मिले अथवा दुख मिले, जो मिले उसमें प्रसन्न रहिए। आप केवल कर्म के अधिकारी हैं, भाग्य लिखा आप नहीं है, भाग्य लिखने वाले आप नहीं है, परिणाम देने वाले आप नहीं हैं। फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते रहिए। लेकिन कर्म यदि अच्छा होगा तो भगवान फल जरूर अच्छा देंगे, क्योंकि आम का पेड़ लगाने से आम ही मिलता है, बबूल का कांटा नहीं मिलता। लेकिन लोग यही उल्टा सोचते हैं, लगाते तो हैं बबूल के पेड़ और सोचते हैं कि आम का फल मिले, कैसे होगा? आप कर्म के अधिकारी हैं, कर्म खूब अच्छा करिएगा, भगवान खूब अच्छा फल देंगे। तो रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपरी मत ललचाओ जी। शिवजी प्रसन्न तो हो गए, लेकिन ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि बाबा आपके ससुर को तो, आपके ससुर का गर्दन जो है पहले से ही यज्ञ कुंड में डाल दिया गया, अब यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो एक बकरी का सिर जो है दक्ष प्रजापति के धर में लगा दिया, और उसी स्वर में बकरा के रूप, बकरा के मुंह से कैसे स्तुति करे कोई? भगवान शिव की जो हम लोग पूजा करते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? बम 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 महादेव। ये बम बम महादेव जो कहते हैं उनके ससुर की याद आ जाती है। जब दक्ष प्रजापति के धर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया तो वो भी उसी प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। शिव जी को हंसी आ गई। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो अंत में सभी भक्त कहते हैं बम बम महादेव, बम बम महादेव। और महादेव भगवान का एक ऐसा नाम है शिव का, करोड़ों मील दूर से यदि कोई जोर से महादेव कहे, जैसे भगवान विष्णु के नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक बार अजामिल ने नारायण कहा तो भगवान वैकुंठ से आ गए, पार्षद को भेज दिए। उसी प्रकार भगवान शिव के नाम तो अनेक हैं, लेकिन यदि कोई महादेव कह करके पुकारे तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी उसको अपना लेते हैं। भोले बाबा प्रसन्न तो हो गए, लेकिन जैसे सती की याद आई तो आंख सजल हो गया। सती के मृत शरीर को कंधे पर लेकर के शिव जी पूरा पृथ्वी का भ्रमण करने लगे, और सती का अंग गल गल के जहां गिरा वही 51 शक्ति पीठ बने। मैया सती का देह गल गल के जहां जहां गिरा वही 51 शक्ति पीठ बना। फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। पत्नी के वियोग में भगवान शिव सती के वियोग में दुखी रहने लगे। एक बार एकांत में जाकर के बैठे जंगल में एक पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और सुंदर हृदय में भगवान का ध्यान किए तो समाधि लग गई। तुलसी बाबा लिखते हैं कि इसी बीच में तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जो देवताओं को सताने लगा। तारकासुर नाम के दैत्य जो हुए देवताओं के ऊपर इतना अत्याचार किया कि सभी देवता
पृथ्वी सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि शिव जी विवाह करे और उनके वीर्य का आश्रय लेकर के पार्वती के द्वारा जो पुत्र होगा वही इस तारकासुर को मार सकता है। सभी बड़े अचंभित हुए कि शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, उनका विवाह कैसे होगा। सबने विचार किया और अंत में निर्णय यह निकला, यदि कामदेव को शिव जी के पास भेजा जाए तो काम में वह शक्ति है जो समाधि को तोड़ सकते हैं, उनकी समाधि को भंग कर सकते हैं। कामदेव का स्मरण किया इंद्र देवता ने। कामदेव आए, हाथ जोड़ के प्रणाम, बोलिए महाराज आज्ञा क्या है। बोले चले जाइए शिव जी के पास और उनकी समाधि को भंग करिए। कामदेव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा दुष्कर कार्य नहीं करूंगा, शिव जी की क्रोधाग्नि में जल करके मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन बाद में विचार किया, परहित लागे तजई जो देहे, परहित लागे तजई जो देहे, परहित लागे तजई जो देहे, परहित लागे संतत संत प्रसन्न सहिते, संतत संत परहित लागे तजई जो देहे, परहित लागे तजई जो देहे, परहित लागे तजई जो देहे, परहित संत संत प्रसन्नसहिते, संत सभी लाइए संत परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीरा सम नहीं अधमाए, पर पीरा सम पर पीरा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रसंसहिते। यदि आपसे कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है तो आपको आंख मूंद करके बस एक ही जवाब देना है जो तुलसी बाबा ने दिया। तुलसी बाबा से भी किसी ने पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का अच्छा सोचना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। पर पीरा सम नहीं अधमाय, और दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरा का भलाई न सोचना, दूसरा का बुरा सोचना, इससे बड़ा अधर्म कुछ भी नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 18 पुराण को जब श्री वेद व्यास जी ने लिखा और वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि जब यदि किसी के पास 18 पुराण पढ़ने का समय ना हो तो आप सबका सार बता दीजिए कि सबका मूल है क्या। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। आप जितनी भी कथा सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं, सब कथा का अर्थ बस यही है, परोपकाराय पुण्याय परोपकारः पुण्याय। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं,
और दूसरे का अपकार करना, दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे के लिए गलत सोचना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कामदेव ने मन में विचार किया कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित लागित जई जो देहे, संतत संत प्रशंस हिते। जो दूसरों के हित के लिए अपना देह परित्याग कर देता है, संत और भगवंत दोनों उसकी बड़ाई करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। संत का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने संत की उपमा किस चीज से दी है, रामचरितमानस बालकांड में। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, नीरस विशद गुणमय फल जाशु। साधु का चरित्र जो है, साधु का स्वभाव जो है कैसा है, कपास के फूल के जैसा। कपास का फूल जो होता है वो श्वेत होता है, उजला होता है, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, उस फूल को पहले तो तोड़ते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसका बीज निकालते हैं। उसके बाद एक फिर कारीगर क्या करता है, उसको ढूंढता है, पीटता है, मारता है, फिर उसका धागा तैयार होता है। और जो संत होते हैं उसका फूलबत्ती बनाते हैं। हम लोग भगवान की जो आरती करते हैं, फूलबत्ती जो बनाते हैं, बाती जो बनाते हैं, वो कपास के फूल का ही बनता है। तो कपास के फूल से संत का उपमा दिया तुलसी बाबा ने। क्यों? क्योंकि जैसे कपास का फूल जो है स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है लेकिन वो दूसरों को सुख देता है। उसी प्रकार संत का भी स्वभाव है, संत का भी चरित्र है। अपना भले उसको सुख ना मिले लेकिन वो संसार के हित के लिए सोचते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। और केवल एक काम ही नहीं होता कपास के फूल से, हजारों काम होते हैं। उसका रजाई भी बनाते, तकिया भी बनाते हैं। वो भले दुख सहता है लेकिन दूसरे को सुख देता है। ठीक उसी प्रकार जो परोपकारी होते हैं, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों की भलाई सोचते हैं। लेकिन आजकल लोगों का स्वभाव बदलता जा रहा है। लोग दूसरों का ज्यादा बुराई सोचते हैं। आजकल प्रायः सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इस बात से नहीं कि मुझे दुख है, इस बात से दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी वाले आगे क्यों बढ़ रहे हैं। मेरा बेटा शराब पी रहा है रोड पर, ऐसे लावारिस की तरह घूम रहा है, इसका दुख बाद में होता है। इसका बेटा अच्छा कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, अरे ये तो मेरे सामने झोपड़ी में रहता था, महल कैसे खड़ा कर लिया, इसी बात से वो परेशान है। लेकिन एक महात्मा का बड़ा सुंदर आदेश है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हरी Thank you.
बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बनो तुम कम से कम इंसान। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पगना धरना, सदाचार अपना न सको तो पापों में तुम मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो नहीं पहले तुम तोलो फिर मुंह को खोला करना। सत्य वचन नहीं बोल सको तो झूठ कभी तुम मत बोलो, बोलो नहीं पहले नहीं न बोलो तो सत्य वचन तुम सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो नहीं पहले तुम तोलो फिर मुंह को खोला करना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना,
यदि किसी के घाव में हम मरहम पट्टी नहीं कर सकते तो उसमें नमक भी नहीं डालना चाहिए, छार न कभी लगा देना। इसलिए दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो सीताराम भगवान की जय। तो इस शास्त्र का बस एक ही सार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमा। ये विचार करके कामदेव जानते थे कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों का स्वाभाविक प्रेम होता है किसी चीज से। आजकल लोग प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि बदले में मुझे भी प्रेम मिले। यदि मैं किसी का सम्मान करता हूं तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि मुझे भी बदले में सम्मान मिले। लेकिन प्रेम इसका ठीक विपरीत है। आप किसी कीड़े से पूछे, वो जानता है कि इस प्रकाश पर जाऊंगा, यदि बत्ती पर जाऊंगा तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, फिर भी करता है। वो ये जानता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी करता है, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम है उसे। तो संत का जो स्वभाव होता है, साधु का जो स्वभाव होता है, परोपकारी होता है। कामदेव जानते थे कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा, लेकिन मन में विचार आया कि यदि मेरे मरने से संसार का हित होता है तो मुझे मर जाना ही चाहिए। लेकिन जब कामदेव चला तो श्री तुलसी बाबा ने लिखा, भय काम बस जोगी इस तापस पावरिन की को कहे, देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्म मय देखत रहे, अबला विलोकहि पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड ब्रह्मांड की तर काम कृत कौतुक अयम। सभी लोग काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पावरिन की को कहे, बड़े बड़े महात्मा जो थे, बड़े बड़े तपस्वी जो थे, सभी काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पावरिन की को कहे, और जो पावर लोग हैं, जो दिन रात काम में ही रमे रहते हैं, भला उसकी गिनती कौन करे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्म मय देखत रहे। देखिए काम का प्रावल्य कितना है, काम का आधिक्य हो जाए जीवन में तो उसकी प्रवृत्तियां बदल जाती है। शरीर में काम के प्रवेश होने के बाद व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे आगे पीछे कुछ सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे, जो पूरे संसार को सीता राम में देखता था, आज पूरे संसार को स्त्री में देखने लगा। हर एक पुरुष अपने आप को छोड़ करके सबको स्त्री ही समझ बैठा, और हर एक स्त्रियां खुद को छोड़ करके सबको पुरुष ही समझ बैठे। ये काम का प्रभाव है। इसका अर्थ है, तुलसी बाबा कहना चाहते हैं, जब जीवन में काम आता है तो व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, अपना स्वरूप भूल जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण रावण है।
चलत दसानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, सारे देव गंधर्व यक्ष किन्नर जितने थे सब थर थर कांपते थे। लेकिन जब रावण के हृदय में काम का प्रवेश हुआ और सन्यासी का वेश धारण करके सीता का हरण करने के लिए रावण गए तो इत उत चले स्वान की नाई। तुलसी बाबा ने कहा कि ये कुत्ता की तरह जा रहा है। जैसे कुत्ता क्या करता है, किसी के घर में छुप कर के घुसता है, ऐसे जिस रावण के डर से पूरा पृथ्वी कांपती थी, पूरा देवता लोग कांपते थे, वह देवता भी आज निडर हो गए, पृथ्वी निडर हो गई। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में काम का प्रवेश हो गया। और जब काम का प्रवेश हुआ तो इत उत चले स्वान की नाई, कुत्ते की तरह चुप करके जाने लगे। तुलसी बाबा ने काम का बाहुल्य बताया है। भय काम बस जोगी इस ताप सपावरिन की को कहीं देखहिं चना चरनारी मय जय ब्रह्म मय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबला मयम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये कब तक रहा। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो ब्रह्मा दो प्रहर तक, दुई दंड, दंड माने दुई दंड तक ऐसा प्रभाव कामदेव का रहा। और अंत में तो तुलसी बाबा ने लिखा कि धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। लेकिन कलम वहां जाकर के रुक गया। हनुमान जी प्रकट होकर के, भगवान शिव प्रकट होकर के तुलसी बाबा का हाथ पकड़ ले, ये क्या लिख रहे हैं आप? धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे, मतलब सबको कामदेव ने हरण कर लिया, सबके मन को छीन लिया। तब तो राम के नाम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तब जाकर के तुलसीदास जी लिखते हैं, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिसने राम जी को हृदय में रखा, जिसने ऐसा सोचा कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं, एक महात्मा का भाव है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मुझे हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम
जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कीर्तन ऐसे नहीं हाथ उठा करके गाइए सभी लोग। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी हमारे बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। माता जी आप लोग जयकारा लगाती हैं ना? हाँ, हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा लगाती हैं, अच्छी बात, लगाना भी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भगवान की जयकारा में कंजूसी नहीं चलेगी। और आप ऐसे नहीं मानिएगा तो मुझे मनाने भी आता है, मानना तो पड़ेगा। और देखिए प्रेम एक ऐसा शब्द है जो प्रेम में जब भगवान झुक सकते हैं तो प्रेम से तो किसी को झुकाया जा सकता है। मैं जबरदस्ती नहीं, लेकिन प्रेम से तो हर किसी को प्रयास करूंगा कि भगवान में जुड़े। प्रेम में वह सामर्थ्य है, प्रेम में वह शक्ति है, वो बल है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा गुण है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम में बड़ा सामर्थ्य है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जिसको जिसको ये जानना हो कि मेरे राम कैसे प्रसन्न होते हैं, तो आज कान खोल करके सुन लीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम चाहिए। और चीज तो राम जी को मिथिला में मिल ही गया। राम जी को केवल प्रेम चाहिए, मिथिला में राम जी को सब कुछ मिला। इस राम कथा के मंच से हम राम जी की कथा गा रहे हैं। ये 9 दिन की कथा है, आज कथा का दूसरा दिन है। परसों जाकर के भगवान का जन्म होगा। कौन सा दिन रहेगा? मंगलवार। परसों भगवान का जन्म होगा और कल भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह होगा। उसके बाद भगवान के अवतार के कितने कारण हैं, ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन उसमें 4-5 मुख्य कारण हैं जिसकी चर्चा हम व्यासपीठ से करेंगे। तो मिथिला में जब हमारे राम आए तो उनको सब कुछ मिला। किसी ने भगवान से स्वयं पूछा कि ठाकुर एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तो राम जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा,
और यदि राम को प्रेम से प्रेम नहीं होता तो क्या गिद्ध को भगवान अपनाते, क्या गणिका को भगवान अपनाते, क्या गजेंद्र को भगवान मोक्ष प्रदान करते? नहीं, सबने भगवान से प्रेम किया और प्रेम में ही वह सामर्थ्य था कि भगवान को भी झुका दी। इसीलिए मैं कहता हूं, और हमारे मिथिला में बड़ा प्रेम है, मिथिला में और चीज आपको मिले ना मिले लेकिन प्रेम बहुत मिलेगा। मिथिला के लोगों से मिलिएगा तो प्रेम बहुत मिलेगा। आप बोलिएगा कि आप मिथिला के हैं इसलिए आप कह रहे, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता, लेकिन हम ऐसे झूठ मूठ का नहीं कह रहे, हम प्रमाण भी देंगे आपको। यदि मिथिला से ज्यादा प्रेम कहीं राम जी को मिलता तो कहीं और जाकर के ससुराल बनाते, मिथिला में ही ब्याह करने क्यों आए? क्योंकि जानते थे पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा प्रेम मुझे मिथिला के लोग ही करते हैं। कैसे? तो राम जी के एक एक लीला से मिथिला वासियों को बड़ा प्रेम था। एक मिथिलावासी राम जी को क्या कहते हैं? मोर लालन तनिक मुस्का दे, मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोर लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। नयन मा माने नहीं हो, नयन माने लालन हरि हो, मोरा लालन हो, मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने जब राम जी को मिथिलानियों ने गाली दिया तो राम जी का मुंह लटक गया था। माथे मनि मोरिया भाल पर चानन, 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 तनी मोरिया के हो, तनी मोरिया के, तनी मोरिया के लट हटवा दे, नयन मा माने नहीं। मोरा लालन तनिक मुस्का दे, नयन मा माने नहीं। दुल्हा दुल्हिन सरकार की
आँख कजरारे सुंदर बदन पर नैना कजरारे सुंदर बदन पर नैना कजरारे सुंदर बदन और नैना कजरारे सुंदर बदन और नैना कजरारे मिथिलानिया कहती है हे राघव जू आपके सुंदर सुंदर मुखरे पर ये कजरारे जो है और भी सुशोभित लग रहे तनी नैना के पलक उठा दे तनी नैना के पलक उठा दे नयन मामा ने नहीं लाल सिखा दे नयन मामा ने नहीं मोरा लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं लालन तनिक मुस्का दे नयन लालन बाहु सभी लोग प्रेम से गाइए मोर लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं मोर लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं मोर लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं मोर लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं सब तो मैथिली बुझबे करे छे ना सब गोटे मैथिली बुझे छे ना क्यों क्यों नहीं बुझे थे तीन तो जे गोटे नहीं बुझे छे उनका लेल हिंदी बाजब और जे बुझे छे उनका मैथिली में कहो आ जखन राम जी के विवाहक बात तैन तखन तो मैथिली में कहो मोरा लालन मोरा लालन तनिक मुस्का दे नयन मामा ने नहीं राम जी के जे मिथिला में मिलन उ कतौ नहीं मिलन सीता सन के सुंदर धन पत्नी कतौ मिलते ते राम जी मिथिला में एलखिन ये अस्तु तो हम पुनः चर्चा करब लेकिन ताही सं पूर्व हम निवेदन करी जब भय काम बस जोगीश तापस पावर इनकी को कहीं देखहि चरा चरणारि में जे ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु जिन जिन लोगों ने भगवान को अपने हृदय में रखा भगवान ने उसकी रक्षा की अथवा जो अपना जीवन सर्वस्व भगवान के ऊपर समर्पित कर दिए थे भगवान ने उसकी रक्षा की। आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है जिस दांत से चूहे को काट करके निगल जाती है जिस मुंह में उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे का कंठ पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है पर उस बिल्ली के बच्चा को पता है कि मेरी मां मुझे मारेगी नहीं क्यों मां के ऊपर आश्रित है। जो भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं और भक्त को यह पहले से पता होता है कि मेरी रक्षा मेरे भगवान करेंगे। तो ते उबरे ते काल महो जिन राखे रघुवीर जिसको राम जी ने रक्षा किया या जिसने राम जी को हृदय में रखा भगवान ने उसकी रक्षा की। आरती की तैयारी करी ते उबरे ते काल महो
उस काल में उस समय में वही सुरक्षित रहा जिसको राम जी ने रखा। कामदेव पहुंचा भगवान शिव के पास, लेकिन शिव जी के इस रूप को देख करके कामदेव थर 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 कांपने लगा। फिर याद आया कि नहीं, मैंने तो देवताओं को वचन दिया है कि मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगा, तो एक आम के पेड़ पर जाकर के बैठ गए। और कामदेव जिस चीज से बढ़ता है काम, वो सारा काम के वसंत ऋतु का आगमन हो गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुंदर पैजनियां बनने लगी, बजने लगी, चूड़ी की खनखनाहट से पूरा स्थान जो है गुंजायमान हो गया। लेकिन शिवजी की समाधि नहीं टूटी। जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसको राम जी रखने वाले हैं भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। शिवजी का कुछ नहीं बिगड़ा, इधर से उधर टस से मस नहीं हुए। कामदेव को बड़ा क्रोध आया कि मेरे डिगाने से भी नहीं डिगे तो आम के पेड़ पर बैठ गए। और शिवजी के हृदय को लक्ष्य करके कामदेव ने बाण का संधान किया और ऐसे जोर से बाण उनके हृदय में मारा। अचानक से समाधि टूटी, पूरा ब्रह्मांड हिलने डुलने लगा शिव के क्रोध से। तब शिव तीसर नयन उघारा, देखत काम भयं जड़ी छाड़ा। चारों तरफ जो है शिवजी ने जैसे देखा कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव को देखा, तब शिव तीसर नयन उघारा देखत काम भयं जड़ी छाड़ा। जैसे तीसरा नेत्र शिवजी ने खोला तो कामदेव जल करके राख हो गया। इसका अर्थ क्या है? इन दो नेत्रों से ही काम क्यों नहीं जला? शिवजी ने संसार को उपदेश दिया कि ये दो नेत्र जो है ये तो काम के प्रवेश का मार्ग है। जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं इन नयनों से, इन आंखों से, तो ही इस नयन के माध्यम से हमारे हृदय में उसका सौंदर्य प्रवेश करता है, काम का प्रवेश होता है। तो इससे कामदेव को नहीं जलाया जा सकता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से ही कामदेव जल सकता है। काम जल करके तो राख हो गया, महात्मा सुखी हो गए, लेकिन विषयी लोग को दुख हुआ कि अब कामदेव चला गया, जल गया तो अब सुख नहीं आएगा। रति को जब पता चला कि मेरे पति को भगवान शिव ने जला करके राख कर दिया है, तो रति दौड़ती हुई आई, चरणों में प्रार्थना किया, सरकार मेरे पति, मैं तो विधवा हो गई, अब मेरे पति मुझे कैसे मिलेंगे? भगवान शिव का नाम है आशुतोष, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिवारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान जब कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आएंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में मिलेंगे। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने कहा कि भोले बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा तैयार हुए, लेकिन फिर समाधि में बैठे। राम जी ने आकर के भोले बाबा को वचन दिया, अब किस प्रकार से विवाह की तैयारी होती है, किस प्रकार से विवाह होगा, हम कल की कथा में सुनेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती, और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लो
यश तुम्ही प्राण प्यारे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे कहना भी होगा कहना भी होगा कहना भी होगा कहना भी होगा तो तुमसे कहूंगा विराद है जहां ले चलो चलो जहां
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आइए सभी लोग ठाकुर जी की आरती करें। हेलो आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। रेख कजरारे नन की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके। कपोलन पे अलके झलके। हसन पे बिजली सी चमके। हसन पे बिजली सी चमके। कपोलन पे अलके झलके। कपोलन पे अलके झलके। हसन पे बिजली सी चमके। हसन पे बिजली सी चमके। रेख कजरारे नन के लखन सिंह जनक दुलारे। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। धन सरयू निर्मल नीरा नीरा। धन सरयुग निर्मल नीरा नीरा। भरत रिपु दलन महावीरा वीरा। भरत रिपु दलन महावीरा वीरा। धन सरयू निर्मल नीरा नीरा। धन सरयुग निर्मल नीरा नीरा। भरत रिपु दलन महावीरा वीरा। भरत रिपु दलन महावीरा वीरा। चरण से लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी। जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी। भजोर मन सब माया तोरी तोरी। भजोर मन सब माया तोरी तोरी। जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी। जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी। भजोर मन सब माया तोरी तोरी। भजोर मन सब माया तोरी तोरी। दरस हित दरस हित दरस हित युगल बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की। सीताराम एक सीताराम दो। सीताराम तीन सीताराम चार। सीताराम पाँच सीताराम छः। सीताराम सात सीताराम आठ। सीताराम नौ सीताराम दस। सीताराम ग्यारह सीताराम बारह। सीताराम तेरह सीताराम चौदह। सीताराम पंद्रह सीताराम सोलह। सीताराम सत्रह सीताराम अठारह।
सीताराम नेज सीताराम नेज सीताराम की सीताराम सीताराम नेज सीताराम चौबीस सीताराम 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 सत्ताईस सीताराम अट्ठाईस सीताराम उन्नीस सीताराम Sitaram, 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 Sitaram,
सरकार कनी शांत भले कोरोना हम